गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन और एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम, क्योंकि इसमें स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट एरर निकालो व्हेन, जब भी आपके इनपुट से तीन टाइप्स के इनपुट दिए गए हुए, एक है 5u(t), दूसरा है 5t u(t) और तीसरा जो है 5t2u(t). और सिस्टम हमको दिखाया गया है नीचे जो भी है, ये इधर डायग्राम में बता रहे हैं कि ये सिस्टम है और यहाँ पे जो u(t) है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यहाँ पे ये सिंपल u(t) फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय 5 से उसको मल्टीप्लाई किया है। दूसरा जो है वो रैंप फंक्शन है, t है। तीसरा जो है वो पैराबोलिक फंक्शन है या पैराबोला है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस? तो अपन को पता है कि ई ऑफ एस मतलब एरर क्या है, कैसे निकालते हैं इसका मीनिंग। इसका एक्सप्रेशन ऐसे होता है, आर ऑफ एस जो कि इनपुट है डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। जी ऑफ एस क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है या जो भी गेन है वो है जी ऑफ एस। तो इस एग्जांपल में जी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो मैंने इधर लिख दिया है और इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दिया है। सो बेसिकली अपन पास ई ऑफ एस का फॉर्मूला है जी ऑफ एस, ये इधर सिस्टम में दिया हुआ है ऑलरेडी। और अपने को क्या पूछा गया है कि अपने को निकालना है स्टेडी स्टेट एरर तीन केसेस में। तीन केसेस कौन से हैं? पहला केस है जिसमें इनपुट है 5ut, दूसरा जो है 5tut जो कि है रैंप फंक्शन, तीसरा जो है 5t2, 5t2 ut जो है पैराबोला। तो सबसे पहली चीज अपन को करना है, ये इनपुट है उसका एस में कन्वर्ट करते। तो आर ऑफ टी को अगर आर ऑफ एस में लिखना है तो इसका आता है 5/s, दूसरे इसका रैंप फंक्शन का आएगा 5/s², तीसरे पैराबोलिक फंक्शन का आएगा 10/s³, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन के साथ जो भी है, जो कि है 5u(t). तो इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन नंबर 1 था, इस इक्वेशन में आर ऑफ एस की वैल्यू के अपन क्या डालेंगे, 5 ऑफ एस, ठीक है, 5/s। क्यों 5/s? क्योंकि 5 और यू ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म s है जो हमने इधर बताया है ऑलरेडी। तो 5 डिवाइडेड बाय s, s डिवाइडेड बाय 1 प्लस g ऑफ s आएगा। तो अपन को पता है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, तो बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम ई ऑफ इन्फिनिटी क्या आता है, लिमिट, लिमिट निकालना है एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। सो एस इंटू ई ऑफ एस, तो एस इंटू 5 डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय 1 प्लस g ऑफ s। तो इधर s और 5 डिवाइडेड बाय s इन दोनों को अपन कैंसिल कर सकते हैं अज्यूमिंग s नॉट इक्वल टू जीरो लिमिट्स के केसेस में। तो अगर वो निकाल देते हैं तो अपना एक्सप्रेशन बनता है 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये लिमिट जो है मैं इधर लगा देता हूँ, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एस। तो अपन को अभी निकालना है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एस की वैल्यू। जी ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस अपना ये है। तो इस इक्वेशन में एस की वैल्यू अगर जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, 100 × 2 × 6 डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा देखिए, डिवाइडेड बाय आएगा 0 × 3 × 4। तो यही लिख दिया मैंने, 100 × 2 × 6 डिवाइडेड बाय 0, 3, 4, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन। सो 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये आएगा 1/0, जो भी है कुछ भी वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय 0 आएगा इन्फिनिटी। तो 5/∞ इसकी वैल्यू आती है हमेशा 0, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा अपना 0। क्यों 5/∞ 0 है, क्योंकि अपन इन्फिनिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/0, तो 1/0 इसको लिख दिया तो ऊपर 0 जाएगा, तो इसीलिए वैल्यू बन जाएगी 0, ठीक है। इन्फिनिटी को अपन 1/0 लिख सकते हो, 2/0 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस डिवाइडेड बाई 0 होना चाहिए, तो 0 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए अपना स्टेडी स्टेट एरर इधर आएगा 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपन को मिल गया है, जब भी इनपुट 5u(t) है अपना स्टेडी स्टेट एरर है 0। अभी देखते हैं स्टेडी स्टेट एरर क्या रहेगा जब अपना इनपुट फंक्शन है रैंप फंक्शन। तो चले देखते हैं
सेम चीज़ें अपने जैसे की है कि इस इक्वेशन में आर ऑफ एस की जगह पे डालेंगे 5 बाई एस स्क्वायर। तो यही कर रहे हैं, 5 बाई स्क्वायर डाल दिया डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। अभी अगेन यहाँ पे अपन फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे जो कि है ई ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो 5 इंटू, जो कि है 5 नहीं है एस है, एस इंटू 5 बाई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। सेम रहेगा ये, यहाँ पे एस को एस अगर अपन कैंसिल करते हैं अज्यूमिंग कि एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो 5 बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस आएगा। इसी को ही अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो क्या होगा, एस अगर अपन नीचे लेते हैं, जैसे कि अभी तरफ 5 ऑफ एस ऊपर था, तो बस 5 ऑफ एस ऊपर था, मैंने ये नीचे लिया और इसको मल्टीप्लाई किया है, तो वही देखेंगे आप यहाँ पे, तो 5 अपॉन एस प्लस एस जी ऑफ एस। और मैं लिमिट अगर एस टेंडिंग ज़ीरो डालूंगा तो कैसे आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0 प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी ऑफ एस। तो वही चीज़ करेंगे वापस कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एस में डालना है, ये इसका लिमिट निकालना है, तो इसके लिए जाना है अपन को जी ऑफ एस के लिए। तो जी ऑफ एस क्या है, इधर जी ऑफ एस ये वैल्यू है, इधर ऑलरेडी एक डिनोमिनेटर में एस है जो आप देख रहे हो, और अपन को जिस क्या लिमिट निकालना है उसमें ऑलरेडी एक एस न्यूमरेटर में है, तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर एस अगर मैं ये कैंसिल हो जाता है और इधर मैं वापस एस की वैल्यू अगर डालूंगा 0, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा 100 × 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 4, क्योंकि इधर 0 डालना है एस की जगह पे, तो 100 × 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 4, तो वही मैं करता हूँ। तो एस इंटू जी ऑफ एस अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट एस टेंड इंटू 0 जी ऑफ एस हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय अपन की वैल्यू आएगी 100। और फाइनल वैल्यू आएगी 1/20। तो वही अपन देख रहे हैं कि एस इंटू जी ऑफ एस जब भी करेंगे तब ये जो वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू आ रही है अपनी 5/100 × 1/20। तो जब भी अपना इनपुट ऐसे वाले केसेस में इनपुट अपना अगर रैंप रहता है, तो बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/20। तो 1/20 कैसे आए, क्योंकि ये इधर 5 डिवाइडेड बाय s इंटू जी ऑफ एस का लिमिट है। तो जी ऑफ एस क्या है, ये जी ऑफ एस है, ये जी ऑफ एस में ये 1 डिवाइडेड बाय है, तो इसकी वैल्यूज अगर अपन निकालेंगे तो खाली 100 बच जाता है, बाकी सब चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये 6 × 2 है और ये 4 × 3 है, तो दोनों ऊपर नीचे 12 12 है, एक दूसरे को कैंसिल हो रहे हैं, तो खाली बचता है 100, तो इसीलिए 5/100 और बनता है 1/20। तो स्टेडी स्टेट एरर व्हेन जब भी इनपुट रैंप फंक्शन है तब ये आएगा 1/20। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या होगा जब मेरा इनपुट रहेगा पैराबोलिक, जैसे कि 5t² × ut। तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला है बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम से, ई ऑफ इन्फिनिटी ऐसा आता है कि लिमिट एस्टेंडिंग 0 s² × g(s), 1 अपॉन रहेगा ये सब। तो ये सब चीज़ें करके अपन क्या करेंगे, 5t² है तो 5 डिवाइडेड बाय लिमिट एस्टेंडिंग टू 0, इधर s² g(s) था, ठीक है, और अपना g(s) में क्या है, g(s) में ये सब टर्म्स है ऑलरेडी डिनोमिनेटर में s है, तो एक s निकल जाएगा, तो बचेगा एक s और पूरा g(s) की वैल्यू, क्योंकि s नॉट इक्वल टू 0 है और जब भी हम लिमिट निकालते हैं वो वैसे एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो s टेंडिंग टू 0 अगर इधर करना है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये टर्म कुछ भी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक s इधर ऑलरेडी है, तो s 0 हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो यही वैल्यू है स्टेडी स्टेट एरर की, जो कि है इन्फिनिटी। सो इन केस जो भी पैराबोला वाला इनपुट है, पैराबोलिक इनपुट है, तब स्टेडी स्टेट एरर अपना आया है इन्फिनिटी इस प्रॉब्लम में।
तो पहले केस में आया है जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन था, स्टेडी स्टेट एरर था जीरो। जब मेरा रैंप फंक्शन था तब आया है स्टेडी स्टेट एरर 1/20। और जब मेरा इनपुट फंक्शन था पैराबोलिक तब मेरी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।